सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं आप लोगों को। और आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना भी चाहती हूँ। जैसे कि मेरा ड्रेसिंग सेंस देख के लोग सोचते हैं कि मैं गंवार हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कैसे कैसे कपड़े पहनती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ। टाइट कपड़े मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होता है मेरे, इस वजह से। तो काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा टोंट मारा मुझे, आज उसका प्रूफ दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। और काफ़ी लोगों ने बोला कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहे हैं, आपके अच्छे लग रहे हैं, आपके खूबसूरती का राज। तो मैं सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो मैं क्या लगाती हूँ, क्या नहीं लगाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, आप तो ऐसे भी देखते हैं, जानते होंगे मेरा ब्लॉग देख के। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी कि मैं कोई मूर्ख गंवार नहीं हूँ, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, क्या है, आप लोगों को सब बताऊँगी। और काफ़ी लोगों का बोलना है, कई दिनों से पूछते हैं कि कितने पढ़े हो, कितने पढ़े हो, लेकिन मैंने कभी मेरे क्लियर जो है क्लियर नहीं किया मेरा पढ़ाई, कभी भी मैंने नहीं बताया कि मैंने कितना पढ़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। और अभी मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ यहाँ पर, थोड़ा देर सोचा शूट कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और शूट करने के लिए तैयार हुई हूँ क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। सोचा तबीयत सही करने का एक ही तरीका है, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, तैयार हो तो थोड़ा हल्का लगता है, मन हल्का लगता है। और उसमें क्या होता है कि हम लोग जो अपने आप को जो मतलब बिना तैयार होके ऐसे ही बैठे रहते हैं, अजीब सा डीमोटिवेट फील होते रहता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाई किया हुआ है और अभी मेरी एज कितनी है, क्या है मेरा, कितना में शादी हुआ, सभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो सबसे पहली बात तो मेरे को लोग काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं, मतलब मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, आप लोगों का बात भी बोलना सही है कि आप बहुत, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना वेट लॉस कीजिए। तो मेरा वेट जो है अभी 58 kg है मेरा वेट, और पहले ज़्यादा था मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों से, पहले मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब मैंने थोड़ा कम कर लिया है। और कुछ अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब हो काम है मुझे, और कम करना था, लेकिन बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा, मेरे पेट में दर्द होता था, बाद में ये सब टेंशन वेंशन की वजह से फिर मैं अपना टाइम दे नहीं पाई। तो मैं अपना उतना मैं 58 में ही मेंटेन करके अभी रखी हूँ, लेकिन मेरे को 50 करना है और 8 kg मेरे को कम करना है, पतला होना है थोड़ा। तो क्या होता है कि बच्चे को जब फीड करवाते हैं हम, तो चाहकर भी अपना वेट लॉस नहीं कर सकते क्योंकि खाना पड़ता है, खाना भी ज़रूरी है। और जब डाइटिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ता है, तो वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा मेरा, जानते हैं आप लोग, काफ़ी छोटा है, इस वजह से। तो मैं इसीलिए क्या बोलते हैं, आप लोगों को कुछ इस बारे में कभी मैं बताई नहीं कि मैं कितना पढ़ी हूँ, मैं क्लियर कभी नहीं किया, लेकिन आज के वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि मैंने पढ़ाई कितना किया, मेरा एजुकेशन क्या है, मैंने कैसे पढ़ा, क्या है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कोई मोटी नहीं हूँ, आज मैं देख लीजिए टी शर्ट पहनी हुई हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं ज़्यादा, मेरा वेट नहीं है, मैं लूज़ कपड़े पहनती हूँ, जिसके वजह से आप लोगों को मेरा वेट ज़्यादा दिख रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनती हूँ इस वजह से, लेकिन मैं रियल बोलूँ तो मैं मोटी नहीं हूँ पहली बात तो। और जीन्स बोलो, जैगिंस बोलो, कुछ भी बोलो, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को पहले 30 लगता था, लेकिन अभी 32 लगता है, 32 और स्ट्रेचेबल वाला 32, मैं बिना स्ट्रेचेबल वाला नहीं बता सकती, जो भी मैं स्ट्रेचेबल वाला पहनती हूँ 32 साइज लगता है मेरे को। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरा कितना वेट है और कितना, क्या बोलते हैं, कैसा है, जो भी है आप लोग बोलते हैं ना, बता दीजिए, तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दे दिए, जो भी है जैसा भी है ना। और जब मैं 12th क्लास में थी तो काफ़ी ज़्यादा पतली थी, मेरे पास एक पिक भी है, तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा 12th का पिक है ये। तो मैं 12th क्लास में थी, तब का है, 2016 का। तो अभी आप लोग सोच सकते हैं मैं 2016 में 12th क्लास में थी, तो अभी 2021 है, तो मेरा एज आप लोगों को समझ आ गया होगा कितना है, क्या है। तो आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने 2016 में, क्या बोलते हैं, 12th मैंने पास कर लिया था 2016 में, और
उससे मेरा एज आप लोगों को पता चल जाएगा मेरा कितना एज हो रहा है, क्योंकि जब तक 18 साल नहीं होता तो कोई 12th तो पढ़ता नहीं है ना। तो मैंने 12th कर लिया था उस टाइम, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं 12th में फेल हो गई थी मैं कभी फेल नहीं हुई थी, अच्छे खासे मेरे हर क्लास में नंबर आ जाते थे, लेकिन मैं 12th में फेल हो गई थी। तो उसका भी एक रीज़न है कि मैं 12th में क्यों फेल हुई थी, क्या हुआ था, तो मैं बता देती हूँ। 12th में मेरा काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था, और मेरा मार्च में या अप्रैल में कुछ में एग्ज़ाम था, तो मैं उसके एक महीना जस्ट पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। काफ़ी दिन मैंने, एक डेढ़ महीना मैंने छुट्टी ले लिया था, जो मेन पढ़ाई होता है वो मैंने नहीं किया था। और 2-3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था, और मैं 2-3 दिन बाद ही मैं मतलब घर पहुंची, मैं रायपुर में एडमिट थी, मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था उसकी वजह से। तो मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे नहीं पाई, क्योंकि मैंने डेढ़ महीना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया लास्ट टाइम में, इसके वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो 2-4 नंबर की वजह से मेरे को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा था, तो मैं दोबारा 12th पढ़ी नहीं। उस टाइम में ये हो गया था कि आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो, जो भी विषय में फ़ेल हुए हो उस विषय का फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा था। तो मैंने फिर 1,000 रुपये फीस भर के फिर दोबारा उस विषय का एग्ज़ाम दिया, मेरे जो बसना सिटी पड़ता है वहाँ पे, तो फिर मैं पास हो गई क्योंकि मेरे को एक महीने का तब टाइम मिला पढ़ने का, तो मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई किया और फिर मैं पास हो गई तो बस इतना था। और मैं 12th पढ़ ली उसके बाद, मैं 12th पढ़ने के बाद तुरंत जॉब के लिए चले गए, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे और घर संभालना था, तो मैंने सोचा जॉब करना ही सही होगा, तो मैं फिर जॉब के लिए चली गई। तो मैंने कुछ दिनों तक जॉब किया, 3 लड़कियों के साथ मैं रहती थी रायपुर में। तो बाद में वो लड़कियां मतलब अच्छे से रूम रेंट नहीं बताती थी, खाना पीना का खर्चा का पैसा नहीं देती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा उनसे लड़ाई हुआ, क्योंकि मैं अपना फैमिली संभालने के लिए मैं वहाँ काम करने गई थी और ये लोग ऐसे करते थे, तो बीच में मेरे को फंसा के चले गए थे। तो मेरे को लगा कि अब नहीं हो पाएगा, तो मैंने घर चली गई। और जहाँ भी हम लोग जॉब करते थे, पहले मॉल में जॉब करते थे हम लोग, श्री शिवम करके एक शॉप है वहाँ पे, जो रायपुर वाले छत्तीसगढ़ से होंगे उनको पता होगा, कई सारे उसके ब्रांच भी हैं कोरबा ये बिलासपुर वगैरह में, तो मैं वहाँ जॉब करती थी। बाद में तब मेरी सैलरी थी 4,500 रुपये महीने का हम लोगों को मिलता था, तो उसी में हम लोग रूम रेंट देते थे, खाते भी उसी में थे, घर वालों को पैसे भी उसी का देते थे, वही 4,500 में। तो उस टाइम में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पैसे का इम्पोर्टेंट उस टाइम हम लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने कुछ दिनों वहाँ कुछ महीनों काम किए, फिर मैं घर चली आई, और घर में फिर क्या बोलते हैं, मैंने DCA ज्वाइन किया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, CV रमन यूनिवर्सिटी का। तो मैं वहाँ फिर एक सेंटर है पास में, वहाँ पर पढ़ाई करती थी, मेरे गाँव के पास एक सेंटर है माँ दुर्गा कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे पढ़ाई किया मैंने। वहाँ मैंने इतना अच्छे से मेहनत किया, पढ़ाई किया, कंप्यूटर क्लास डेली में जाती थी, और वहाँ मतलब फ़ीस 9,000-10,000 कुछ ऐसा फ़ीस देना पड़ा एक 1 ईयर का। तो मैं 1-2 महीना बाद में, जिनके साथ में मेरा एग्ज़ाम था, 1-2 महीना बाद में मैं ज्वाइन की थी, फिर भी मेरा 85% आया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने सीख लिया सब कुछ। और बाद में फिर से मैं जॉब करने के लिए चले गई, और ये 2017 का बात है। फिर 2018 लास्ट में मेरी मैरिज हुई, नवंबर में, मतलब 2019 में समझ लीजिए। तो ऐसे हुआ मेरा जीवन दिनचर्या। और उस बीच में मैं जब श्री शिवम में काम कर रही थी, उसी बीच में मैंने एक बार हॉस्पिटल में भी जॉब किया, कृष्णा मतलब रामकृष्ण केयर वाला एक हॉस्पिटल है रायपुर में, तो वहाँ मैंने डायलिसिस में जॉब किया 6 मंथ। लेकिन वहाँ डायलिसिस पेशेंट लोगों को, डायलिसिस टेक्नीशियन का ऑपरेटिंग का काम सीख रही थी मैं, लेकिन लड़की लोग कोई नहीं थे डायलिसिस में, और प्राइवेट में ही डायलिसिस था, और सरकारी में नहीं आया था उस टाइम। तो फिर मैंने क्या किया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी बोल के, उन लोगों का तकलीफ को देख के मैं मतलब वहाँ से जॉब छोड़ दिया मैंने। सबसे बड़ी गलती हुई की मैंने लाइफ में, और उस वहीं पे मेरा सर्टिफिकेट वगैरह सब चीज़ चोरी हो गया, जिसके वजह से मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े लाइफ में। अभी तक मैंने अपना बहुत सारे सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, कुछ कुछ तो फोटोकॉपी निकलवा लिए मैंने, और बहुत सारे मैंने सर्टिफिकेट मेरे अभी तक नहीं बनवाए। मेरा पूरा मतलब एल्बम चोरी हो गया और पूरा फाइल चोरी हो गया, तो उसमें मेरे बचपन के सारे फ़ोटो, हम लोग किस कंडीशन में झोपड़ी में रहते थे, हमारा इंदिरा आवास वाला घर पास हुआ था, सारे सब कुछ थे उसमें, और मेरा वो चोरी हो गया। तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ चोरी हो जाने के बाद में, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया बाद में बनाने का कोशिश किया, काफ़ी दौड़ भाग किया इधर उधर, काफ़ी पैसे भी खर्च हुए, लेकिन फिर नहीं हो पाया।
कुछ मिस्टेक हो जाता था तो नहीं आ पाता था, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, फिर से मेरे को जॉब लगना पड़ा और मैं अच्छे से फिर जॉब में लग गई। जो भी मेरे पास फोटोकॉपी था उसको दिखा के तो जॉब तो कर ली मैं। फिर बाद में मेरे ससुराल वाले घर ले गए और फिर बहुत सारे ड्रामे हुए जिसके वजह से और नहीं कर पाई मैं आगे मेरा कंटिन्यू मेरा जॉब। और बाद में फिर मुर्गी फार्म में आना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गंवार नहीं हूँ, हाँ भले ही अभी मतलब स्थिति में मैं मन नहीं करता है कुछ भी करने के लिए क्योंकि पूरा लाइफ स्पॉल हो गया ऐसा लगता है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे लाइफ को अच्छे से सेटल करने के लिए फिर से जैसे मेरी लाइफ पहले थी। मैं आप लोगों को जो भी मेरे पुराने पिक्स हैं मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूँगी, मेरी फ्रेंड लोग कैसी थी, कैसे हम लोग मतलब यहाँ भी एक पिक शेयर कर दूँगी, कैसे हम लोग चाट खाने जाते थे और मैं कैसे मेरा पहनावा ओढ़ावा कैसा था और सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी जो भी अगर मेरे को मिलेगा तो, कि जितना भी पिक्स मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा इसी वीडियो में। तो ये था मेरा पढ़ाई और मैंने सब कुछ बता दिया है आप लोगों को जो भी था जैसा भी था, है ना। तो मैं शूट करने के लिए थोड़े दूर आई हूँ अभी और यहाँ पे शूट कर रही हूँ तो थोड़ा मैं इधर आ जाती हूँ, इधर स्प्रे हो रहा है तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं यहाँ पे बाहर का व्यू देख लीजिए। ये है बाहर का व्यू कुछ ऐसा है और मैं दिखाती हूँ अपनी आपको कैसे दिखाऊँ गिरूँगी मैं तो पूरी गई। ये देख लीजिए तो मेरा वेट इतना है जितना मैं सूट पहन के एकदम लूज पहन के रहती हूँ वैसे नहीं है। आप लोग मत सोचिएगा ये कि मेरा बॉडी से पता नहीं चलता है मेरे लूज कपड़ों के कारण, तो लोग मुझे मूर्ख और झल्ली और वेट लॉस करो क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, अजीब गरीब कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो मुझे वैसे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सही बता रही हूँ मैं जैसी भी हूँ ऊपर वाले ने अगर मुझे जैसा बनाया है तो मैं बहुत अच्छी हूँ। देखो आप लोगों के बोलने पे मैंने चूड़ी भी पहन लिया काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा चूड़ी नहीं था मेरे पास में, आप लोगों के बोलने पे मैंने पहना हुआ है और काफ़ी अच्छा व्यू है देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं। तो आज मैं सोचा कि ये ब्लॉग बनाना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था मैंने कितना पढ़ाई किया और क्या किया, तो सच बता रही हूँ मैं झूठ नहीं बोलती, मैं 12th क्लास में फेल हो गई थी 12th क्लास में मैं फेल हो गई थी, नहीं पढ़ाई 1.5 महीना मैंने पढ़ाई नहीं गई वो लास्ट टाइम में मतलब फरवरी से शायद अप्रैल में 1 अप्रैल से मेरा एग्ज़ाम था और नहीं मार्च 1 मार्च से था या 1 अप्रैल से था, तो मैंने पूरा फरवरी भर पढ़ाई नहीं किया जबकि उस टाइम में इम्पोर्टेंट क्लास चलता है कि ये आएगा एग्ज़ाम में ये आ सकता है सभी चलता है, लेकिन उसमें 1.5 महीने में मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैं 12th में एग्ज़ाम नहीं दे पाई। और किस वजह से एडमिट थी आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और बहुत सारा टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारा वीकनेस आ गया था मुझे, बहुत ज़्यादा पेन होता था और पेट में दर्द आ रहा था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ गए थे, बुखार आ गया था बहुत, तो जिसके वजह से ना मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी मैं एकदम पतली जिसके वजह से, तो वही था रीज़न और कुछ भी नहीं था। तो ठीक है फ्रेंड, आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरे बारे में कुछ जानने के लिए ज़रूर मिला होगा, तो प्लीज़ कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साड़ी वाला ब्लॉग बोले थे लेकिन सॉरी मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ब्लाउज नहीं है, साड़ी तो है ब्लाउज नहीं है, और ब्लाउज जो सिलवा लूँगी तो सूट करूँगी, सोचा साड़ी नहीं तो यही सही है ना। तो ठीक है, बाय बाय।